क्या आपको पता है खाटू श्याम जी कौन थे? उनका नाम खाटू श्याम क्यों पड़ा? और लोग भारी संख्या में खाटू श्याम जी का दर्शन करने क्यों जाते हैं? दरअसल बात महाभारत काल की है। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिम्बा से हुआ। हिडिम्बा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोत्कच कहा जाता था। घटोत्कच से बर्बरिक का जन्म हुआ। बर्बरिक भीम के पोते थे और वे अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाने जाते थे। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वो युद्ध में किसकी ओर से लड़ेंगे। तो बर्बरिक ने कहा कि जो भी पक्ष युद्ध हारेगा वो उसकी ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें पता था कि ऐसे तो फिर युद्ध का परिणाम होगा ही नहीं। ऐसे में श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध में रोकने के लिए उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक ने उनको शीश तो दान कर दिया, किंतु एक इच्छा जाहिर की कि वह आखिर तक अपने कटे सिर से युद्ध देखे। तब श्री कृष्ण ने उनका सिर कुरुक्षेत्र के पास की एक पहाड़ी पर रख दिया। श्री कृष्ण बर्बरिक के बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर, वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिले में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी शरण में आए भक्त की इच्छा जरूर पूरी होती है। इसी वीडियो देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज गीता उपनिषद को।